नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम व्यू पर आपका स्वागत है। मैं इस चैनल के माध्यम से बायोलॉजी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए लगभग 500 प्रश्नों का संकलन कर रहे हैं, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होंगे। इस सीरीज में मानव से संबंधित पोषण, परिसंचरण तंत्र एवं उनके व्याधियां, तंत्रिका तंत्र एवं व्याधियां, प्रजनन तंत्र संबंधित व्याधियां, श्वसन तंत्र संबंधित व्याधियां, उत्सर्जन तंत्र संबंधित व्याधियां, जंतु ऊतक पाचन तंत्र एवं संबंधित व्याधियां, मानव कंकाल एवं संबंधित व्याधियां, इन सारी बातों का इसमें संकलन कर रहे हैं। इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को संकलित कर रहे हैं। इस सीरीज में पूर्णतः बायोलॉजी का मल्टीपल च्वाइस बेस्ड क्वेश्चन होंगे। प्रश्न संख्या एक, लंबी हड्डियों के सिरों पर लचीली संधियां गद्दियां किसकी बनी होती है? पेशियों, स्नायुओं, उपास्थि कंडरों। आंसर सी। शरीर में कुछ ऊतक जैसे कि पेशियां अन्य ऊतकों से अधिक सक्रिय होते हैं, ऐसे ऊतकों की कोशिकाओं में कौन से कोशिकांग अपेक्षाकृत अधिक और बड़े होने चाहिए? पहला ऑप्शन केंद्रक, दूसरा सेंट्रियोला, तीसरा राइबोसोम, चौथा माइटोकॉन्ड्रिया। सही ऑप्शन डी, माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन नंबर थर्ड, रेखित एवं ऐच्छिक पेशियां किस में पाई जाती है? पादपों में, अकृत में, हृदय में, फेफड़ों में। सही आंसर ये, पादपों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे शरीर में रोमावी उपकलाएं किस में मिल सकती है? पहला ऑप्शन पित्तवाहिनियों में, छोटी आंत में या वृक्क नलिकाओं एवं आमाशय में। सी ऑप्शन योनि में, डी ऑप्शन ट्रेकिया में। सही आंसर 4 के डी, ट्रेकिया, मस्तिष्क की परसरों, गुहाओं एवं अंडवाहिनियों में। तंत्रिका कोशिकाएं किस भ्रूण स्तरीय से बनती है? एंडोडर्म, मेजोडर्म, एक्टोडर्म, एक्टोडर्म एवं मेजोडर्म। सही ऑप्शन सी, एक्टोडर्म। कंडरा जोड़ती है पेशी को पेशी से, हड्डी को हड्डी से, तंत्रिका को पेशी से, पेशी को हड्डी से। सही आंसर पेशी को हड्डी से। इनमें से कौन सा लिम्फोइड अंग नहीं है? पहला ऑप्शन थाइमस, तिल्ली, टॉन्सिल, अकृत। सही ऑप्शन डी, अकृत। स्तनियों में कुंभफर कोशिकाएं किस में पाई जाती है? अग्नाशय में, अकृत जिसको जिगर भी कहते हैं जिगर में, तिल्ली में, तिल्ली को पिल्हा भी कहा जाता है, फेफड़ा में। सही ऑप्शन बी, अकृत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेसोथीलियम नामक एपिथीलियम स्तर किसके चारों ओर होती है? देह गुहा के, गर्भाशयी गुहा के, अहरनाल के गुहा के, रुधिरवाहिनी की गुहा के। सही ऑप्शन ये, देह गुहा के। किसके चारों ओर की कोशिका कला को सार्कोलम कहते हैं? तंत्रिका व तंतु, हृदय, पेशी तंतु, हृदय पेशियां। सही आंसर पेशी तंतु, सी ऑप्शन। स्नायु जोड़ता है हड्डी को हड्डी से, पेशी को पेशी से, हड्डी को पेशी से, पेशी को उपास्थि से। सही आंसर ये, हड्डी को हड्डी से। हिस्टेमिन का श्रवण करने वाली कोशिकाएं होती है अकृत में, संयोजी ऊतक में, वृक्क में, फेफड़ों में। सही आंसर बी, संयोजी ऊतक में पाया जाता है हिस्टेमिन का श्रवण करने वाली कोशिकाएं। स्नायु एवं कंडराएं कैसे ऊतक होते हैं? उपस्थिर होते हैं, पेशीय होते हैं, अस्थिर होते हैं, संयोजी होते हैं। सही आंसर संयोजी होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन एक प्रकार का ऊतक है? अहरनाल, अकृत या जिगर, रुधिर, अग्नाशय। सही आंसर सी, रुधिर। रुधिर एक प्रकार का ऊतक है। हृदय रेखित होती है और इनके पेशी तंतु होते हैं, सिंसियल एवं ऐच्छिक होते हैं, अनैच्छिक होते हैं, बहुकेंद्रीय एवं अनैच्छिक होते हैं, तर्करूपी एवं ऐच्छिक अनैच्छिक होते हैं। सही आंसर बहुकेंद्रीय एवं अनैच्छिक होते हैं। सही सी नंबर।
हर्वेशियन नलिकाएं और तंत्र कहाँ पाए जाते हैं? पक्षियों की हड्डियों में, मेढक की हड्डियों में, उपस्थियों में, केवल स्तनियों की हड्डियों में। सही आंसर केवल स्तनियों की हड्डियों में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मास्ट कोशिकाएं किसमें होती है? पेशियां, तंत्रिका तंतु, संयोजी ऊतक, उपकला ऊतक। सही आंसर संयोजी ऊतक, सी नंबर। समस्थितिकता में हड्डियां कठोर बनाने वाले लवण मुख्यतः होते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम के फास्फेट, सोडियम और मैग्नीशियम के फास्फेट, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट, या तो फिर ये चारों। सही आंसर कैल्शियम और मैग्नीशियम के फास्फेट, ऑप्शन ए। हद पेशियां होती है आरेखित एवं ऐच्छिक, रेखित एवं ऐच्छिक, कम मेटोकॉन्ड्रिया युक्त, स्वतः उत्पादन उत्पादित प्रेरणा द्वारा उत्तेजित, या रेखा रेखित एवं अनैच्छिक। सही आंसर स्वतः उत्पादित प्रेरणा द्वारा उत्तेजित एवं या रेखित एवं अनैच्छिक, ऑप्शन नंबर डी। मास्ट कोशिकाएं किस पदार्थ का सेवन करती है? सीरोटीन, हिपेरिन, हिस्टेमिन, ये सब। सही ऑप्शन डी, ये सब। हड्डी में कौन सा लवण सबसे अधिक मात्रा में होता है? मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम फास्फेट। सही आंसर डी, कैल्शियम फास्फेट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हिस्टियोसाइटस होती है रुधिर उत्पादक, माइक्रोफेज, उत्सर्जी कोशिकाएं, ये सब। सही आंसर माइक्रोफेजेज, बी। अस्थनियों की अस्थियां अस्थि उपस्थि से किसकी उपस्थिति में भिन्न होते हैं? हर्वेशियन नलिकाएं, केलोजन तंतु, रुधिर वाहनिया, लसिका वाहनिया। सही आंसर ये हर्वेशियन नलिकाएं। अस्थि को पेशी से जोड़ने वाली रचना को क्या कहते हैं? कांड्रा, अश्नायु, उपास्थि, या इनमें से कोई नहीं। अस्थि को पेशी से जोड़ने वाली रचना को कांड्रा कहते हैं। सही आंसर, सही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। प्रोटीन की कमी से होती है एथेरोस्क्लेरोसिस, क्वाश्योरकर, बबल सिंड्रोम, न्यूरोलेथिरिज्म। सही आंसर क्वाश्योरकर, ऑप्शन बी। एफ्लाटॉक्सिन नामक खाद्य विषाक्तता किसके कारण होता है? जीवाणु के, ऑक्सीजन की कमी, वायरस, कवक। सही आंसर डी, कवक। गर्भवती महिला को दैनिक आहार में कितनी मात्रा आयरन की संतुति की गई है? 5 मिलीग्राम, 10 मिलीग्राम, 20 मिलीग्राम, 40 मिलीग्राम। सही आंसर डी, 40 मिलीग्राम। किस में सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है? अंडा में, मछली में, दूध में, गेहूं में। सही आंसर बी, मछली में। क्वेश्चन नंबर 31, किस पदार्थ के ऑक्सीकरण से सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज लवण। सही आंसर वसा, सी। 1 ग्राम वसा के ऑक्सीकरण से कितने कैलोरी ऊर्जा मिलती है? 9.3, 7.5, 4.1, 10.5। सही आंसर ये 9.3। शरीर में कौन सा जल ऊर्जा का कार्य नहीं होता है? यह एक आदर्श विसर्जन माध्यम होता है। स्वयं जल में जल चक्र गति होती है। जल स्वयं एक मेटाबॉलिक पदार्थ का कार्य करता है। जल अम्ल क्षार का संतुलन में निष्क्रिय भूमिका का कार्य करता है। सही आंसर डी, यह जल अम्ल क्षार संतुलन में निष्क्रिय भूमिका निभाता है। सही आंसर डी। प्रोटीन के निर्माण में किस तत्व की आवश्यकता होती है? जिंक, कॉपर, पोटासियम, नाइट्रोजन। सही आंसर डी, नाइट्रोजन का। हेमोग्लोबिन तथा साइटोक्रोम का घटक है जिंक, कॉपर, मैग्नीज, आयरन। सही आंसर सी, आयरन। यदि कोई व्यक्ति केवल दूध, अंडे,
रोटी पर गुजारा करे तो कौन सा रोग हो सकता है? रतौंधी, बेरी बेरी, रिकेटस, अस्कर्वी। सही आंसर डी, अस्कर्वी। क्वेश्चन नंबर 37, रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक विटामिन है? थायमिन, टेकोफेरॉल, नेफ्थाक्विनोन, फेलिक अम्ल। सही आंसर सी, नेफ्थाक्विनोन। विटामिन ए का उत्कृष्ट स्रोत है गाजर, धनिया पत्ता, पक्का आम, पैठा। सही आंसर सी, धनिया पत्ता। विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत है आंवला, संतरा, कागजी नींबू, कमरख। सही आंसर सी, कागजी नींबू। थायमिन का सर्वोत्तम स्रोत है काजू, अखरोट, बेल, बादाम। सही आंसर ये, अखरोट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट किस खाद्यान्न में पाया जाता है? ये ऑप्शन गेहूँ, बी चावल, सी मक्का, डी ज्वार। सही आंसर सी, मक्का में। इनमें से किस रूप में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कार्य करते हैं? सह एंजाइम, एंजाइम, हार्मोन, पाचक पदार्थ। सही आंसर ये, सह एंजाइम के रूप में। माध्यम वसा बनाती है ग्लाइकोजन से, ग्लिसरॉल एवं वसी अम्ल से, ग्लूकोज एवं ग्लिसरॉल से, कार्बनिक यौगिक से। सही आंसर बी, ग्लिसरॉल एवं वसी अम्ल से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसमें सुक्रोज शर्करा पाई जाती है? गन्ना में, शहद में, दूध में, नारंगी में। सही आंसर ये, गन्ना में पाया जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट मोनोसेकेराइड है? ऑप्शन ए सेलुलोज, ऑप्शन बी स्टार्च, सी में ग्लूकोज, डी में सुक्रोज। सही आंसर सी, ग्लूकोज में। मानव शरीर में अनिवार्य एमिनो अम्लों की संख्या होती है 15, बी में 22, 4, 10। सही आंसर डी, 10। लंबे समय तक निकोटोनिक अम्ल की कमी से हो सकने वाला रोग हो सकता है? बेरी बेरी, पिलाग्रा, अस्कर्वी, रक्तचिनता। सही आंसर बी, पिलाग्रा नामक रोग। हमारे रक्त में उपस्थित सामान्य शर्करा होती है गैलेक्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज, ग्लूकोज। सही आंसर डी, ग्लूकोज। इनमें से कौन सा पदार्थ मीठा है फिर भी शर्करा नहीं है? सैक्रीन, ग्लूकोज, प्रोटीन, स्टार्च। सही आंसर ये, सैक्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लूकोज, सुक्रोज, माल्टोज की श्रेणी का पदार्थ कौन सा है? पहला ऑप्शन मायोग्लोबिन, स्टार्च, एमिनो अम्ल, हीमोग्लोबिन। सही आंसर स्टार्च, ऑप्शन नंबर बी। मानव के शरीर में जल की प्राप्ति सामान्यतः पीने के अतिरिक्त और किस प्रक्रिया से होती है? ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से ऑक्सी हीमोग्लोबिन के हीमोग्लोबिन में बदलने से, ग्लाइकोजन के ग्लूकोज में विखंडन से, मुंह गुहा में लार के श्रवण से। सही आंसर ये, ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से। किस विटामिन की कमी से रक्तचिनता रोग होता है? विटामिन B12, B6, फोलिक अम्ल समूह, ये सब। सही आंसर डी, ये सब। धन्यवाद दोस्तों, इस सीरीज को यहीं तक रखते हैं, फिर इसको अगले सीरीज में कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।